我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一集第一集到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV 一切铺垫都是为了甜蜜蜜，有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准地捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺地纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。मिस्किन जिस केस को हैंडल ही नहीं करती वो इंटरेस्ट क्यों दिखाएगी उसमें? जब तक ये क्या सोच रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। अरे हाँ, मैंने वहां से पर्ल बोबा विद डबल टॉपिंग्स लिया था। मैं लेके आता। थैंक यू। मैं कुछ भी बोल देती हूँ, अभी पकड़ी जाती। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लैंस आउटिंग और पैंगडिंग फैंग डिवोर्स लेना चाहते हैं। अभी मिस लैन के घर से आ रही हूँ, वहाँ कोई नहीं था। लेनदार वहाँ पैसे वसूलने आए थे। तुम उसे ढूंढ रही हो, तुम्हें किसने बताया? उसकी फिक्र तुम मत करो, उनके घर की पूरी जांच हो चुकी है। और किसी को कुछ पता चला? एसोसिएशन ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स के ऑफिस में गए थे, लोग वहाँ भी पैसे मांगने के लिए पहुँच गए हैं। फेंग और मैंने यूलान ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर ली है। मैंने मिस्टर ली को भी नहीं देखा है, ना ही वो सीसीटीवी फुटेज में दिखी है। इससे पता चलता है कि वो यूलान ग्रुप में बहुत टाइम से नहीं गई है। आप उनके रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है डैन, हम उनसे बात कर लेंगे। आंटी के तो बहुत सारे दोस्त भी नहीं थे, वो सिर्फ मेरी माँ से बहुत ज्यादा क्लोज थी। माँ के जाने के बाद मैं ही थी जो उनके सबसे ज्यादा करीब थी। उनके एक बड़े भाई के अलावा उनके और कोई भी रिश्तेदार नहीं है। मेरी चाची की उनसे ज्यादा बनती नहीं थी, तो वो उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। यही तो बात है, अब तक हमें उनकी ना ही पुलिस से खबर मिली है और ना ही अस्पताल से, पर मुझे अब भी उम्मीद है। ये जो फुटेज है ना, मैंने हजार बार देखी है। तुम्हारी चाची जब होटल से निकली थी तब वो बहुत नॉर्मल लग रही थी, वो बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही थी। तो मुझे शक है कि कहीं उन्होंने किसी जगह जाकर अपनी जान ना दे दी हो। ऐसा भी लग रहा है वो शायद किसी से मिलने के लिए निकली थी। किससे? डंपिंग, मुझे पता है तुम मिस लैन की सबसे करीबी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें जानती हो। इस रिश्ते ने शायद तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधती है। याद करने की कोशिश करो, कौन है जो तुम्हारी चाची का सबसे करीबी हो सकता है? कौन उन्हें सलाह दे सकता है? कौन है जिस पर वो खुद से ज्यादा भरोसा करती हो? दिमाग पर जोर डालो। आंटी सबसे ज्यादा भरोसा तो अपने पति पर ही करती थी। क्या तुम्हें कुछ याद आया? आंटी किसी अनाथ आश्रम में भी जाया करती थी, वहां के प्रिंसिपल से वो बहुत करीब थी। इसका मतलब
लैन ज़ियाओटिंग अपनी भतीजी से झूठ बोल रही थी। उन्होंने जानबूझकर फोन बंद किया और बाहर चली गई। और मुझे नहीं लगता वो अनाथ आश्रम गई होगी। अगर वो किसी को बिना बताए चली गई है तो इसका मतलब वो नहीं चाहती कि वो जिससे मिलने जा रही है उसके बारे में किसी को भी पता चले। ऐसा कौन होगा जिसका उन पर इतना ज्यादा हक होगा। पंगडिंग फांग, मैंने चेक किया है, लॉस एंजलस से पूजियांग की लेटेस्ट फ्लाइट अभी 20 मिनट पहले ही लैंड हुई है। मिस लैन मिल गई है, वो ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। किन्शी ने कहा उसे मिस लैन मिल गई है और वो ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। आंटी कहाँ है? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच्ड ऑफ है। क्या हुआ? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच्ड ऑफ है। किन्शी फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसने तो कहा मिस लैन मिल गई है और डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जगह बताए बिना फोन ही बंद कर दिया। मैं ट्राई करती हूँ। हेलो, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच्ड ऑफ है। सॉरी, कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। मिस लैन, मैं हूँ। सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट को आए हुए बहुत वक्त हो गया है, फिर भी वो नहीं आए ना। कस्टम पास करने में और लगेज लेने में वक्त तो लगता है ना। मैं भी यहीं रुकती हूँ। हम वहां बैठ जाएं क्या? उन्हें देर लगेगी। नहीं, मैं यहीं पर ही ठीक हूं। हम बैठकर भी वेट कर सकते हैं। लीजिए, कुछ खा लीजिए मिस लैन। मैं वेट करता हूँ। थैंक यू। देखना वो आ जाएंगे। क्या हम मिस्टर पैन को फिर से कॉल करें? सॉरी, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी आउट ऑफ कवरेज है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच्ड ऑफ है। सॉरी, कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला होगा? तो को डोमिनेंट नहीं होना चाहिए और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। उस वक्त मैं आपको जवाब देना चाहती थी कि औरत चाहे बिजनेस करती हो या घर संभालती हो,
पर इन सबसे पहले वो एक इंसान होती है। हमें अपने आप को किसी भी रिश्ते के लिए खोना नहीं चाहिए, खास करके शादी के लिए। हमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद को दरकिनार करके किसी और को ज्यादा अहमियत देंगी तो वो आपको उतना प्यार नहीं कर पाएगा। सॉरी पर मुझे ये कहना पड़ा। मिस्किन, मेरे परिवार में कभी मुझसे मेरी राय ली ही नहीं गई थी। शादी से पहले मुझे बस एक अच्छी औरत बनना सिखाया गया था, और शादी के बाद मैंने भी वही किया जो मैंने हमेशा माँ को करते हुए देखा था, और वो था अपने पति और बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखना। और मैंने मान लिया था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है और मैं खुश हूँ, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तब मुझे सब कुछ एक छलावा नजर आ रहा था। मिस्किन, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। भरोसा रखिए, सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है, सच में सब ठीक हो जाएगा। ओह, मिस लैन। आंटी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हो गई थी ना। मिस लैन, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से आप लोगों को भी परेशानी हुई। नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आइए आराम कीजिए। मिस लैन, अच्छा हुआ आप ठीक हैं। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। थैंक यू मिस्टर जिन, थैंक यू मिस टैंग, और तुम्हें भी बहुत बहुत थैंक यू मिस किम। मिस्टर जिन, पैंग और मेरे मामले में आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। मिस किम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। आइए आंटी, अब ठीक तो है? हुई, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आया। ठीक है। तो वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था? ओह, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम इस बारे में कल बात करें प्लीज। मैंने तुम्हें इस केस से दूर रहने के लिए कहा था या नहीं? और क्या कर रही हो तुम? जिद कर रही हो, नाटक कर रही हो, तुम अब मेरी बात सुनती नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी सब बातें सुनती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे मेजर केसेस अट्रैक्ट कैसे कर लेती हूँ। आप सबके होते हुए मिस लैन मुझे ही कैसे मिल गई? किंशी, अच्छा हुआ तुम एक औरत हो, क्योंकि अगर आदमी होती तो इस एम्बिशन की वजह से और भी पावरफुल होती। कम ऑन, औरतें भी उतनी ही पावरफुल होती हैं जैसे कि आप, किसी से कम थोड़ी है। अब ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हें कल सुबह मिलूंगी। मुझे आपसे डर नहीं लगता, तुम भी जल्दी सो जाना। बाय बाय। अंदर आ जाओ। चलो ड्राइवर। Thank you.
जब भी मैं ओवर टाइम करता हूँ तो मेरा डिनर ऐसा ही होता है, और लंच टाइम में मुझे डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं तो मैं ऐसे ही खाता हूँ, और जब मैं पूरी रात जगता हूँ तो पूरे दिन में केवल एक ही मील खाता हूँ। और जब मुझे भूख लगती थी तब मैं एक साथ सब कुछ खा जाता था, पर 2-3 सालों में मेरे पेट ने जवाब दे दिया। तुमने तो मेरी कहानी बता दी। मैं मेरे बारे में बता रहा था कि मैं कभी ऐसा था। तब मैं जीने के लिए काम करता था और मेरा जीना मतलब खाना और सोना था, और कोई भी काम सेहत से बड़ा नहीं होता है। पर मेरे लिए तो काम का मतलब पैशन है। जिंदा ही नहीं रहे तो पैशन का क्या? ठीक है, कल के लिए थैंक यू सो मच हुआ। आज मैं तुम्हें हॉटपॉट की ट्रीट दूंगी। ये तो यहीं भूल गए थे। ये सब मैं देख लूंगा, तुम काम पे जाओ। सच में? तुम्हारे जैसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। यंग हुआ, अगर तुम्हें दूसरा घर नहीं मिला तो तुम यही कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, पर मुफ्त में नहीं, रेंट के बदले तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा। सोच के बताना। मंजूर है। डार्लिंग, अगर तुम कहो तो दोपहर में लंच के लिए आ जाओ। नहीं, आज मैं मॉम के साथ लंच करने वाली हूँ। उन्हें तुम्हारी रैड के लिए गिफ्ट लेनी है तो मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। क्या? माय गॉड, वो तो उसकी एक्स वाइफ है, तो इतना सब करने की क्या जरूरत है उन्हें? डैड उनसे गिफ्ट भी नहीं लेंगे। पता है ना पिछली बार क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? वो डैड का फ्यूचर जानने के लिए एक ज्योतिष को लेकर आई थी, जिसमें कहा था कि 70 साल की उम्र में उनका डिवोर्स होने वाला है। हो सकता है क्या? उनसे कहो कि ये सब बेतुकी बातें होती है, पर इस ज्योतिष की भविष्यवाणी सच होती है। मेरे भाई की शादी के बारे में पूछा था, मेरी शादी के बारे में पूछा, सारे जवाब सही दिए थे। अच्छा? किंशी के बारे में भी बताया था। क्या कहा था उन्होंने? उसने तो हमसे कहा था कि उसकी शादी अगले जन्म में होगी। ओह, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। क्या बात कर रही हो, कौन है वो बताओ। तुम्हें क्या करना है, मुझे तो लगता है कि वो जल्दी शादी करेंगे, तो इसलिए अपनी माँ से कहना कि इस मामले में दखल ना दे, और तुम भी दूर रहना, समझ गए? समझ गया डार्लिंग, एक किस दो ना। मैं चलता हूँ। चलो बाय बाय। बाय बाय, संभाल के जाना। ठीक है, मुझे और एक किस दो। शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, साथ में खाना खाएंगे। तुम फोन करके बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। ठीक है, आराम से गाड़ी चलाना। बाय डार्लिंग। और एक और किस नहीं चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। बाय बाय। बाय, संभल के जाना। बाय। जिंदगी सोनी है, अब सहा नहीं जाए, कैसे जिए कोई मुझे ये बताए। आंसू और गम है मेरे इकलौते जीवन साथी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अपनी नाभि से आवाज निकालो। गले से गाओगे तो ऊपर का नोट कैसे पकड़ोगी? हाँ हाँ, देखो हाँ, समझ गए। और अपनी कमर को सीधी करो ऐसे। चलो प्रयास करो। ठीक है, तब तक मैं ये फोन अटेंड करती हूँ। हेलो, हाँ मिस सन। ठीक है ठीक है ठीक है। आप ऐसे कैसे कह सकती है मिस सन? आपको किसने कहा हमने हमारे बेटे का मैरिटल स्टेटस छुपाया है? मैं उसके माँ हूँ, मुझे नहीं पता होगा कि मेरा बेटा शादीशुदा है या नहीं। वो कंपेंसेशन मांग रहे हैं क्या? पर इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैं भी रिफंड की मांग कर सकती हूँ। मैं कंपेंसेशन के पैसे क्यों दूंगी भला? मुकदमा? ठीक है, एक बात सुन लीजिए, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हुए हैं, ये धमकियां मेरे साथ नहीं चलेगी। मुकदमा करना है तो कीजिए ना,
चाहे आप हाई कोर्ट में जाए तब भी मेरा बेटा सिंगल ही रहेगा। हाँ तो क्या हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड है तो क्या हो गया, वो भी सिंगल ही रहेगी, समझ गई ना तुम। चलो आप फोन रखो। कैसे लोग हैं ये। ये मिस लैन का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम दोनों अब से इस केस की इंचार्ज रहोगी। जिनने तुम दोनों के लिए मैसेज भेजा है कि ये केस जल्द से जल्द बंद हो जाना चाहिए। समझ गई। इसमें मेरी आंटी और अंकल के नाम पर जितनी भी एसेट्स हैं उनकी लिस्ट और प्रूफ है। आंटी यहाँ नहीं आ सकती हैं, इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। आप जो चाहे मुझसे पूछ सकती हूँ। मिस किन, आपने मुझे जो कुछ कहा था मैं सब कुछ ले आई हूँ। क्यान क्यान, हाइताओ, शांगमिंग और दाई, कॉन्फ्रेंस रूम में आइए। शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बता देती हूँ। इस मीटिंग के मैटर्स कॉन्फिडेंशियल हैं, जैसे कि हमारे क्लाइंट की प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। चाहे वो आपके कॉलीग्स हो या फिर आपके पेरेंट्स, पार्टनर्स हो या दोस्त हो, किसी से भी नहीं, समझे? हाँ ठीक है। क्यान क्यान, मुझे डिवोर्स एप्लीकेशन का ड्राफ्ट भेजो। इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस को हाईलाइट करना, हमें इसे आज ही कोर्ट भेजना। हाँ ठीक है। इसमें क्लाइंट्स की एसेट्स के साथ फिक्स्ड एसेट्स, बैंक सेविंग्स, स्टॉक्स और कंपनी के बाकी सारे एसेट्स के भी डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हें एक एक करके वेरीफाई कर लो। क्लाइंट और उसका पति 30 सालों से शादीशुदा है। उनका एक 20 साल का बेटा है जो कि अडल्ट है, तो उनके लिए मेन मुद्दा बेटे की कस्टडी का नहीं बल्कि मुद्दा है संपत्ति के बंटवारे का। क्लाइंट के हस्बैंड पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, अगर वो दोषी पाया जाता है तो अवैध रूप से खरीदी गई सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, इसीलिए संपत्ति के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जुन्हू, इसमें सब कुछ लिखा है। पेन डिनफेंग और उनकी वाइफ की ज्यादातर संपत्ति लू वे युलान बनने से पहले की है। अगर उनकी वाइफ डिवोर्स देती है तो मुश्किल हो जाएगी। युलान ग्रुप के शेयर्स मिस लैन के नाम पे है और ये उनकी शादी के पहले की संपत्ति है। यही तो खतरा है, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिल सकता। शायद हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी। एक शादीशुदा कपल के जॉइंट डेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन्हें बहुत सारे क्राइटेरियाज को पूरा करना पड़ेगा। फर्स्टली दोनों पार्टीज को साइन करना होगा और सेकंडली ये जनरल लिविंग पर्पस के लिए होना चाहिए। जाहिर है यहाँ ये लागू नहीं होगा। हालांकि बिजनेस एक्टिविटी से हासिल किया गया डेट मैरिटल डेट के अंतर्गत नहीं आता है, हालांकि वो कार्य दोनों पक्षों द्वारा किए जाने चाहिए। हमने जो चीजें इकट्ठा की हैं उससे पता चलता है कि क्लाइंट कंपनी को चलाने में अपने पति की मदद नहीं करती, तो इस सिचुएशन में उत्पन्न होने वाली कोई भी फाइनेंशियल लिटिगेशन मैरिटल जॉइंट डेट के स्कोप से बाहर मानी जाएंगी। इसका मतलब मेरी आंटी की प्रॉपर्टी सुरक्षित है। वाइफ के लिए सबसे बुरी बात ये होगी कि उसको अपने पति की सिर्फ आधी जायदाद मिलेगी। अगर पति कोई ऐसी गलती करता है जिससे शादी खतरे में पड़ती है तो उसे दोषी ठहराया जाता है। फिर हम अपील करेंगे उसे जितना हो सके ज्यादा हिस्सा दे दे। ये सब होने से पहले ये कपल अपने मजबूत रिश्ते को लेकर माना जाता था। डोमेस्टिक वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा कि पति ने अपनी पत्नी से बिजनेस की बातें छुपाई, और मुझे नहीं लगता कि पेंडिंग फैंग ने इसमें कुछ भी गलत किया है। मेरे पास एक प्रूफ है जिससे पति का गुनाह साबित हो जाएगा। तुम्हें ये कब मिला? कल ही, टू बी प्रिसाइज सुबह ठीक 10 बजे मिला था। कमीना आदमी, मेरी आंटी यहाँ मुसीबत में है और ये आदमी वहाँ पे अपने बेटे की टीचर के साथ गुच्छड़े उड़ा रहा है। इसने मेरी आंटी से झूठ तक बोला है कि वो वापस आ रहा है और उन्होंने उस पर यकीन भी किया। हाँ, इस तस्वीर में जो औरत है उसे जानती हैं आप? उसका नाम जॉयस वैंग है, उसे वैंग जियालिंग भी कहते हैं। ये वहाँ पर मेरे कजन की पिछले 5 सालों से इंग्लिश की क्लास भी ले रही थी। जहाँ तक मुझे पता है वो शादीशुदा है। मेरे अंकल ने ही उसे बढ़ावा दिया होगा। मिस हाउ, दुख सुख से भी बड़ा होता है,
इसे ही जिंदगी कहते हैं। लीगल प्रोसीजर्स का सब कुछ हम देख लेंगे। आपको इस हालत में सबसे पहले शांत रहना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। आंटी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो अपना आपा खो देंगी। मिस किम और मिस ली, मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझा दीजिए। वो लोग चाहेंगी कि ये केस जल्द से जल्द बंद हो जाए। यूजुअली प्रोसीजर्स के बाद जब हम केस फाइल करेंगे तब पहली सुनवाई मीडिएशन के लिए करेंगे। अगर उससे काम नहीं बना तो दावेदार शिकायत वापस ले सकता है और फिर 6 महीने तक कोई अपील नहीं हो पाई। अब हम ये सब कुछ एक साथ नहीं निपटा सकते। अगर हम किसी तरह साबित कर पाए कि उनकी आपस में बनती नहीं है और 2 साल से वो सेपरेटेड हैं, या फिर उस औरत ने इनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी है और पति भी ये कबूल कर लेता है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई सबूत है, तो मौजूदा मामले के आधार पर दूसरे सिचुएशन की संभावना ज्यादा है। लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं है जो चैलेंजिंग है। पति विदेश में है और कभी नहीं लौटने वाला है। हम शायद उसे फोन पर भी बात ना कर पाए। इस मामले में अदालत द्वारा पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद भी सुनवाई में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर हम ऐसे बात रखेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सजा किसे मिलेगी। हो सकता है कि हमें पैसे भी मिल जाए। मैंने तुम्हें कोर्ट केसेस पढ़ने को कहा था ताकि तुम उनसे कुछ सीख पाओ। अब मैंने कुछ गलत कहा? डिवोर्स फाइल करने के बाद वो प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो हम सारी प्रॉपर्टी को फ्रीज करने के लिए कह सकते हैं। फिर तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा ना। हमें उनकी प्रॉपर्टी के सिर्फ एक ही हिस्से के बारे में पता है। उनके पास और भी बहुत कुछ होगा और डिवोर्स लॉयर्स के पास इस बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है। हाँ हाँ, पर तुम जा कर रहे हो? प्रोसिक्यूटर के पास। कंप्लेंट फाइल करने के बाद हम प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करेंगे, वरना उससे हाथ धोना पड़ेगा। चलो सब काम पर लग जाओ, कुछ मिले तो मुझे रिपोर्ट कर। ठीक है। थैंक यू सो मच तुम दोनों को। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बचपन से आज तक मेरी पढ़ाई हो या मेरा काम हो या रहने की जगह हो, सब कुछ मेरी आंटी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हैं सिवाय मेरे। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मिस किन, तुम सच में ये केस लेना चाहते हो? क्यों पूछ रही हो? ये बहुत ही ट्रिकी केस है और अगर देखा जाए तो तुम इस वक्त प्रमोशन के बहुत करीब खड़ी हो, इसलिए तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है। मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं उसका इस केस से क्या लेना देना है? अगर ऐसा कुछ होता भी है तो सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें ही होगी, है ना? इस फर्म में इतने सारे लोग हैं, पर तुम्हें मुझे ही सलाह देने का ख्याल क्यों आया? मिस किन, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ? मैं हमेशा लोगों को न्यूट्रली देखती हूँ और मैं सिर्फ फेयर कॉम्पिटिशन में ही विश्वास रखती हूँ। और मैं भी। चलो किसी बात पर तो हम दोनों सहमत हैं। हम काफी सालों से कलीग्स हैं, पर ये पहली बार हो रहा है कि हम साथ में काम करेंगे। मुझे यकीन है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अरे मिस किन, तुम्हारे मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुमसे नई चीजें सीखने के अलावा मुझे ये भी सीखना है कि मैं तुम्हारे जैसे एक्सेप्शनल कैसे बन सकती हूँ। मैं तो बचपन से ही एक्सेप्शनल हूँ। पर हमें साथ में काम करके मजा आएगा। मिस्टर जाओ, आप सोचना इस बारे में, फिर आप मुझे कॉल कर देना। क्या हुआ, वो आदमी माना? उसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, बस स्ट्रोक आया था। पागल है, लाखों रुपए गंवा चुका है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जाओ। अरे तुम आ गए। क्या बात? वो लोग गए, लुवे यूलान के बारे में पूछ रहे थे, डेप कलेक्टिंग डिपार्टमेंट से थे। पागल है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है क्या? हाँ,
मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर वो लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं ना? बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग। पता है ये लोग छोटे छोटे गांव से आते हैं यहाँ काम करने के लिए। मैं पागल थोड़ी हूँ जो उनसे मदद मांगूंगा। तुम वो लाए तो हो ना? हाँ, जो मुझे चाहिए था बिल्कुल वही है। थैंक यू। जाओ, क्या आप जानते हैं कि ये वसूली वाले लोग कितने लोगों के लिए काम करते होंगे? देखो, ये लोग बहुत लोगों के लिए काम करते होंगे। अगर गिनने जाओगे तो पता है हजारों की तादाद में लोग होंगे। उन्हें शायद रिस्क लेने में मजा आता होगा। लालच में कितने लोगों की मौत होती होगी, और ये तो फिर भी बहुत बड़ी रकम है, समझ रहे हो ना? कोई भी लालच में पड़ सकता है। हाँ? ए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है। जानते हो, लूवे यूलान की जो लेडी बॉस है ना, वो डिवोर्स ले रही है। आपको किसने बताया? उन्होंने खुद बताया मुझे। उन्हें एक अच्छी लॉ फर्म मिल गई है और वो मुकदमे की तैयारी कर रही हैं। एक बार फिर से, तुम्हें पता है एक आम कहावत सच साबित हुई है, प्यार करने वाले जब मुसीबत आती है तब एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो पैसों की वजह से ही हो रहा है। अरे हुआ क्या, ढूंढ रहे हो? मैं मदद कर दूं क्या? नहीं मॉम, मैं जो ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। अरे अब कहाँ जा रहे हो? डिनर के लिए नहीं रुकोगे क्या? नहीं मॉम, मैं बाद में आता हूँ। पर तुम इतने दिनों के बाद आए और मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना भी था। अरे रुको ना। तब मैं जीने के लिए काम करता था, और मेरे लिए जीना मतलब खाना और सोना था। कोई भी काम सेहत से बड़ा नहीं होता है। कम इन मिस किन, मुझे भी इस केस में शामिल होना है। हमारी टीम फाइनल हो चुकी है। मिस किन, मुझे पता है कि आपने मुझे इस केस से निकाल दिया है, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं इस केस के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, खास करके ताओ जुनहुई को। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और अब तो मेरा काम जानती हो। यकीन मानिए, मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि उसकी वजह से मैंने तुम्हें इस केस से निकाला? ऐसा नहीं है क्या? मुझे एक बात बताओ, तुमने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की थी? क्योंकि मैं बेस्ट लॉ फर्म से लॉयर बनना चाहती थी। तुम्हें पता है कि इस कंपनी में एक लीगल असिस्टेंट को एसोसिएट लॉयर के तौर पर प्रमोट होने के कितने चांसेस हैं? इस कंपनी में एक लीगल असिस्टेंट को एसोसिएट लॉयर की पोस्ट तक पहुंचने में 6 साल लगते हैं। आमतौर पर लोग 2 साल में रिजाइन कर देते हैं और टर्नओवर रेट होता है 65%। तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट से गिना जाए तो अगर तुम प्रमोशन तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें 3 पीढ़ियों के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने इन सब को पार कर दिया तब भी प्रमोशन मिलना आसान नहीं होगा। और ये सब काम करते हुए हमारे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के साथ साथ तुम्हें कॉमन लॉज के अलावा और किसी लॉ डिग्री में भी मेजर करना पड़ेगा या इकोनॉमिक्स की डिग्री लेनी पड़ेगी। मिस किन, आप क्या कहना चाहती हैं? वहाँ उन लीगल असिस्टेंट्स को देख रही हूँ, वो लोग अपना 1000% देते हैं उस ब्रेक को पाने के लिए जिसे मिलने के चांसेस सिर्फ 33% है। तुम्हें लगता है कि तुम उतना कर पाओगी? इस बात पर तुम्हें गौर करना चाहिए। मिस किन, इसका मतलब आप मेरी काबिलियत और निष्ठा पर शक कर रही हैं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। मुझे लगता है कि मेरी निष्ठा या मेरी काबिलियत मेरे प्लस पॉइंट्स होने चाहिए, ना कि मेरी ड्रॉबैक्स। मुझे तो बस इतना ही पता है कि मुझे पूरी निष्ठा के साथ काम करके अपने आप को यहाँ पर साबित करना है। आपके मेरे बारे में ख्यालात जान के
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ है। आज सिर्फ जलन की वजह से तुमने एक होनहार और काबिल लड़की की लगन को ठेस पहुंचाई है। बोलो। मिस्किन, मैंने अभी अभी मिस्टर एंड मिसेस वीआईपी की तीनों रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की ओनरशिप को चेक किया है, उन सभी को यूज किया गया है। एक मिनट रुको। ओके। तुम्हारा मतलब है सारी प्रॉपर्टीज यूज की गई है? हाँ, और चीजों के बारे में मुझे नहीं पता है, बस अब बैंक से पूछना पड़ेगा। तुम्हें पता है वो प्रॉपर्टीज उन्होंने कब यूज की थी? इस साल की शुरुआत में। उनके नाम पर तो शॉप्स और ऑफिसेज भी है ना? मैंने कुछ एजेंसीज को ये पता लगाने के लिए कहा है, हमें ये जल्द ही पता चल जाएगा। ओके, वेल डन, हमें अपडेट करती रहना। हाँ बोलो। हाय मिस ली, मैं यहाँ मिसेस वीआईपी के ब्यूटी पार्लर के ऑफिस के सामने आई थी। यहाँ के मैनेजर ने कहा कि मिस्टर वीआईपी ने कुछ लैंडिंग कंपनीज को कंपनी के शेयर्स का फायदा करवाया था, और साथ ही वो कह रहे थे कि उन्होंने पहले कई बार ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने कर्ज जल्दी चुका भी दिया था, इसलिए मैनेजर को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन इस बार एक से ज्यादा कंपनीज का फायदा उठाया गया है और रकम करीब 20 मिलियन से ज्यादा हो गई है। उन लोगों पर अब हर महीने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है। ये अब तक शगुन था, पर अब नहीं। हेलो हेलो। थैंक यू। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चाल है। हेलो, कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ, इतने डल क्यों साउंड कर रही हो तुम? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं अभी बाहर हूँ, तुम घर जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। ओके, मैं वेट करूंगी। बाय बाय एंड चीयर अप। बाय बाय। Thank you.
चाबी नहीं है। यहाँ चेक करती हूँ, इसमें होगा शायद। क्या ढूंढ रही हो? विजिटिंग कार्ड ढूंढ रही हूँ। किसका विजिटिंग कार्ड ढूंढ रही हो? उसी का विजिटिंग कार्ड ढूंढ रही हूँ। तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो। याद करो आखिरी बार तुमने उसे कहाँ देखा था। मुझे याद है शायद मैंने इसी बैग में रखा था। देखो तो, मुझे लगता है यहीं पे होगा। अरे मिल गया। Yeah.